हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्लेग्राउंड। राजस्थान के एक गांव में राधिका नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। वह एक गरीब परिवार से थी। उसके पिताजी घर का खर्च पूरी तरह से नहीं उठा पाते थे, इसलिए राधिका जंगल से लकड़ियां काटकर उन लकड़ियों को बाज़ार में बेचती थी। इस तरह से उनका घर का खर्चा चलता था। राधिका अब 21 साल की हो गई थी और उनके माँ बाप को अब चिंता होने लगी थी कि उसकी शादी बिना पैसों के हम कैसे करेंगे। मगर राधिका को अपनी शादी की कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और राधिका इतनी खूबसूरत थी कि उसके कई रिश्ते आते ही रहते थे, मगर वो सबको मना कर देती थी। पर किशन नाम का एक लड़का राधिका से बेहद प्यार करता था और राधिका के मना करने के बावजूद वो रोज़ बाज़ार में राधिका की लकड़ियाँ बिकवाने पहुँच जाता था। राधिका किशन से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि शायद राधिका को किशन के प्यार पर भरोसा नहीं था। किशन भी एक गरीब परिवार का ही लड़का था। उसके पिताजी बाज़ार में सब्जी की रेडी लगाते थे, लेकिन शायद किशन के पिताजी को मालूम था कि वो राधिका से बेहद प्यार करता है, और क्योंकि उनका लड़का किशन अपने पिताजी को ये कहकर राधिका की लकड़ियाँ बिकवाने चला जाता था कि पिताजी, राधिका का परिवार हमसे भी ज़्यादा गरीब है, इसलिए मैं उसकी लकड़ियाँ बिकवाने जाता हूँ। लेकिन किशन के पिताजी को उसकी ये बात अच्छी लगती थी कि वो एक गरीब लड़की की सहायता करता है, लेकिन राधिका को किशन के साथ लकड़ियाँ बिकवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और एक दिन राधिका ने किशन के पिताजी से उसकी शिकायत कर दी और उसके पिताजी से ये कहा कि किशन उसके ज़बरदस्ती चेप होता है, और इसे ये कह दीजिए कि आज के बाद मेरी लकड़ियाँ बिकवाने मेरे साथ ना आए और मुझे इसकी सहायता की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर राधिका वहाँ से चली जाती है। राधिका की यह बात सुनकर किशन बहुत उदास हो जाता है और वह अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब राधिका बाज़ार में लकड़ियाँ बेचने गई तो किशन उसके पास लकड़ियाँ बिकवाने नहीं गया, और उस दिन राधिका की लकड़ियाँ बहुत कम बिकी थी और बहुत सारी लकड़ियाँ बच गई थीं। अब राधिका को बहुत देर हो गई थी, मगर उसकी लकड़ियाँ नहीं बिक रही थी। तब उसने सोचा कि आज तो बहुत कम लकड़ियाँ बिकी हैं और घर का खर्च कैसे चलेगा, ये सोचकर वो घर चली जाती है। राधिका जब घर पहुँचती है तो वो क्या देखती है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसकी माँ रो रही थी और रोते रोते कह रही थी कि बेटा, तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल ले चलो, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, जल्दी किसी तांगे को बुलाकर लाओ ताकि तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल लेकर चलें। लेकिन अब बहुत रात हो गई थी और रात में एक भी तांगे वाला नहीं खड़ा था। राधिका बहुत परेशान हो गई, मगर उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसे किशन की याद आई और वो दौड़ी दौड़ी किशन के घर पहुंची। फिर वो ज़ोर ज़ोर से उसके दरवाज़ा बजाने लगी। तब किशन घर का दरवाज़ा खोलता है तो किशन राधिका को अचानक इतनी रात को देखकर चौंक जाता है और राधिका से पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी रात को यहाँ कैसे, घर पर सब ठीक तो है ना। राधिका कहती है कि किशन, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है और उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, मगर बाज़ार में एक भी तांगे वाला नहीं है, अब तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। तभी किशन चुपचाप अपने पिताजी की सब्जी के रेहड़ी निकाल लेता है और रेहड़ी के साथ अपने एक दोस्त को भी राधिका के पिताजी की सहायता के लिए बुला लेता है, और जल्दी से राधिका के पिताजी को किशन और उसका दोस्त रेहड़ी पर लेटा कर जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल ले जाकर जल्दी से उनका इलाज करवाते हैं। एक दो घंटे में राधिका के पिताजी का इलाज हो गया और डॉक्टर ने कहा कि अब ये ठीक है, बस कुछ दवाइयाँ मैंने लिख दी है बगल के कमरे में से लेना, और ये दवाइयाँ अब इन्हें जीवन भर खानी होगी। तभी किशन कहता है कि राधिका, तुम पिताजी से मिलो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। राधिका अपने पिताजी से मिलने उनके कमरे में जाती है। तब उसके पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए थे। तब वो राधिका से कहते हैं कि बेटी, तुम किशन से कितना चिढ़ती हो, फिर भी वो हमेशा तुम्हारी सहायता करता रहता है। तभी किशन का दोस्त भी यही बोलता है कि राधिका, किशन ही हम सबको ये कहता है कि तुम सब राधिका से ही लकड़ियाँ खरीदा करो ताकि तुम्हारी सहायता हो सके। और राधिका, मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि किशन बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम हो कि किशन के घर पर जाकर उसकी बेइज्जती करती हो। तब राधिका को विश्वास हो जाता है कि किशन बहुत ही अच्छा लड़का है,
इतने में ही किशन दवाई लेकर आ जाता है और राधिका से कहता है कि मैंने तुम्हारे पिताजी की सभी दवाइयाँ ले ली है और डॉक्टर ने भी छुट्टी दे दी है, चलो अब घर चलते हैं। अब सुबह के 6 बज चुके थे। हॉस्पिटल के बाहर ही तांगे वाला खड़ा हुआ था। किशन ने अपने दोस्त से कहा कि तुम रेहड़ी लेकर घर पहुंचा देना, मैं तांगे से राधिका के पिताजी को घर छोड़कर आता हूँ। राधिका किशन से बहुत खुश थी कि किशन मेरी कितनी सहायता कर रहा है। इतने में सभी घर पहुंच जाते हैं और किशन तांगे वाले को किराया देकर पिताजी को छोड़ देता है। तभी किशन जाने लगता है तो राधिका उसे बाहर रोककर उसका हाथ पकड़कर उससे माफ़ी मांगती है और ये कहती है कि किशन कल से तुम मेरी लकड़ियाँ बिकवाने आ जाना, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा लकड़ियाँ बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और हाँ, क्या शादी के बाद भी तुम मुझे बाजार में लकड़ियाँ बेचने भेजोगे? राधिका की ये बात सुनकर किशन बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि राधिका तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, ये कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, मगर ये कैसे हुआ? तब राधिका कहती है किशन तुमने मेरा दिल जीत लिया। एक दिन था जब मैं दुनिया के सभी लड़कों से बहुत नफरत करती थी, मगर आज मुझे पहली बार तुमसे बेहद प्यार हो गया। तब किशन कहता है कि राधिका आज मैं भी बहुत खुश हूँ कि आज मुझे मेरा प्यार मिल गया और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार का भी ख्याल रखूँगा। तो दोस्तों, राधिका को अपने परिवार से बहुत प्यार था, इसलिए उसको ऐसा जीवन साथी मिला जो उसके साथ साथ उसके परिवार का भी ख्याल रखेगा। तो ये थी राधिका और किशन की प्रेम कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन प्लेग्राउंड। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।